सबसे पहले देव के देव महादेव के चरण में प्रणाम करतनी, आदि शक्ति जगदम्बा के चरण में प्रणाम करतनी, धरती बैठल धरती माता के प्रणाम करतनी, हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करतनी, यूट्यूब के माध्यम से हमके देख रहे सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरण में प्रणाम करतनी, हमारे प्रणाम स्वीकार करी लो। आई दीदी आप लोग के बीच में वो कथा लेके आये बनी, उम्मीद करते नहीं कथा लोग के अच्छा लगे, आई सुनी ढेर सारा प्यार दुलारा से बात दी। देखिए दीदी एक दिन के बाद वह भोलेनाथ भ्रमण खाते निकलल रहनी, भ्रमण खाते निकलल रहनी महादेव आ घूमत रहनी, ऐसे ही देश काल देखत रहनी, भ्रमण खाते निकलल रहनी ऐसे ही देखत रहनी, तले देखनी कि एगो नाग जन बाटे महादेव के पीछे पीछे जाता। महादेव कहनी कि बहुत देर से नाग हमार पीछा करत रहन, रुका पूछी महादेव तो रहनी एगो बूढ़ के भेष में रहनी, बाकी फिर भी वो जो नाग बा महादेव के पहचान गई, जाके महादेव के आगे फन काट के प्रणाम करता कि हे महादेव रौरा कितना भी अपन भेष बदल ली लेकिन हम आपके पहचान जाए, हे महादेव आप कितना भी भेष काहे ना बदल ले लेकिन हम तो आपके पहचाने जाए, आप हमारे गुरु बानी हम आपके शिष्य बानी। महादेव नाग देवता के महादेव कहने कि तू काहे इतना देर से हमारे पीछा करता रह, अतः हे महादेव ये धरती पर रेंग रख के हमार मन उबी आ गई बा सोए तने कि हम आपके गला में रह के। महादेव कहने कि ये तो बहुत अजीब बात हो गई, पहले से हमरे गला में जौन बाड़न शेष नाग बाड़न, अब तोहके हम कहाँ लेके जाए। महादेव सोचे कि अब कीड़ा मकोड़ा बहुत ज्यादा घर में बटले वालों कहीं गौरा देख ली हाँ तौरी आपत हो जाए हमरे खातिर। महादेव कहानी देखा पहले से हमरे गला में एक जानी विराजमान बाड़न तोहके हम ले जाके कहाँ रख। कहली हे महादेव कहलन कि हे महादेव कुछ भी करी हम आपके साथे जाए चाहता नहीं, महादेव अपने साथे हमके लेके चली। महादेव कहनी अच्छा चलो का कहनी अपने झोली में रख ले नहीं, महादेव झोली में रख के गईनी पर्वत पे, पर्वत पे गईनी तब बैठनी बैठनी महादेव तो महादेव कहनी कि देखो ए जा तू ए झोली में रहिया निकलिया मत। अब महादेव तो डराते रहनी कि गौरा माता कहीं देख ली है गौरा तो कही कि भाई इतना कीड़ा मकोड़ा दैले बड़ा ने गोरी के पकड़ लिए। अब गौरा माता से तनी महादेव के डर लागे लगा। अब का भइल कि जौन झोला रहे महादेव बैठनी जहाँ वही झोला रख दिया नी, गौरा माता से कहनी कि ए गौरा हम तनी स्नान करे आ तनी स्नान करके आव तनी खाना निकलिए खाई जाए। कहली ठीक बजाई अभी तक रौरा सबेरे निकल जा तनी कहाँ रह तनी। महादेव कहनी कि अच्छा एक काम करो देखो हई झोला छुइया मत, हम तो धरती पे गए नहीं भ्रमण करे खाती, हई झोला छुइया मत है झोला के इजरा है तो हम नहा के आवत नहीं तो तू खाना निकलिया खा ले। अब महादेव गईनी गईनी स्नान करे तो एगो आदत है ना दीदी कि अगर औरत के आप कोनो चीज के मना कर दी कि काम नहीं करे के तो कुछ भी हो के वो औरत जरूर करी लो। गौरा माता पूरा घर झाड़त रहनी आ बार बार नगवा निकल निकल के आ वही झाड़ू ओड़ लगावत रहनी साफ करत रहनी। गौरा माता नगवा निकल निकल के आगे आगे घूमे आगे पीछे घूमे ओमे से झोली में से नाग निकल गई। अब गौरा माता सोचनी कि आखिर में ऐसा नहीं में का बा कि भोलेनाथ कहत नहीं कि ये के छुई मत। अब गौरा जी गईली तो नाग देता तो पहले से निकल गई रहनी। अब जब खोल ली चैन तो देखा तनी कि ओमे है ये नहीं के नाग देवता तो है ये नहीं का। अब का भाई नाग देवता तो मैं रहला नहीं, अब देख ली तो मैं नाग देवता रहला नहीं वो तो निकल गई रहा। अब जब झाड़ू लगावत रहली गौरा माता तो नाग आगे पीछे भइल रहे। अब कहली कि बताओ ना इतना कीड़ा मकोड़ा इनकर बाड़ सन कि हमार जीव जिया दिल बाड़ सन को बसा बाऊ चिल्लाता खैले खाती इनाग बाड़ से एकनी के दूध पियावे के बाद बिच्छी गुजर बाड़ सन ओकनी के दाना पानी देवे के बाद इ महादेव जन बाड़न पता नहीं कहाँ से बिटोर बिटोर के ले आवत पत्थर। अब इ का कैली जब आगे ऊ नाग पड़ गई तब पकड़ ले ली रिसिया के
आ पकड़ के खुंडा खुंडा ओके काट दिली। नाग देवता जन रोल नाग के काट दिली, काट के का कैली ले आके फेंकली। भोलेनाथ अनी तो कहनी कि देखी झोली में नाग बाड़न कि ना बाड़न, तनिक बार देखी। महादेव अनी चेक करे खाती तो देख तनियो में नाग देवता बाड़न है। पार्वती माता से भोलेनाथ कहनी कि अच्छा ये बताव हमार झोली क्यों छुअ लका। कली ना ना राव झोली तम नहीं छुअले, अत एगो नाग रोल ना उ नाग कहाँ बाड़न। कहली कि देखी ना एगो नाग रहल आगे पीछे घूमत रहल, हम का कनिया काट के ले आके गुरा पे फेंक आयल बन। महादेव के रीस लागल, बाकी महादेव कुछ कहने नहीं। महादेव कहने छा ठीक बा, अगर जेगा तू फेंकले बाड़ू जाओ के ओगा बिटोर के लिए आवा, जहां जहां फेंकले बाड़ू जाओ के लेके आवा। अब तो देखी दीदी का बैल की पार्वती माता गईली। पार्वती माता गईली तो जहाँ जहाँ फेंकले रहली ओजा कहीं अड़हुल जाम गए, कहीं कनैल के फूल जाम गए है, कहीं सिरफल हो गए है, कहीं भांग दतूर हो गए है, सब कुछ हो गए। महादेव कहनी कि जा लेके आव। गईली पार्वती माता जब देखली फूल उल जाम गई बा तब वापस आ गई। कहलिए जी देखी ना जहाँ फेंकले रहनी ओजा कनैल के फूल जाम गई बा, तो ठीक बा जा कनैल के फूल लेके आव पूजा हो। जब गईली कनैल के फूल ले आवे तो देखा तरी कनैल के जब तुरे जा तरी तो तुरे ना दे तरन कनैल के फूल। अब कनैल के फूल गीत गावता का कहता, गौरा तू तो रहब गुरु जी के बगलिया में, गौरा तू तो रहल गुरु के बगलिया में, हम तो चढ़ी रोज गुरु के चरनिया में, हम तो चढ़ी रोज गुरु के चरनिया में, गौरा तू तो रहल गुरु के बगलिया में, हम तो चढ़ी रोज गुरु के चरनिया में। जब सुनली बात ऋषि आ गई गौरा माता, कहली तू कैसे ऐसे कहतरू, हम महादेव के जौन बानी साथी बानी, सबसे ज्यादा हम महत्वपूर्ण बानी, हम वहाँ के खास बानी, तू कैसे बाड़ू। अब वो कनैल कहली कि ठीक बा बाकी ये सही बात बा, तू सब कुछ बाड़ू लेकिन हम भी जौन बानी महादेव के बहुत प्रिय बानी, महादेव के चरण में हम चढ़े नहीं हमेशा, हमेशा हम काम आवे नहीं। अब ये बात सुनली तो कनैल कलन की जा पूछा महादेव से, सबसे जौन बानी हम ही बड़ बानी। अब वापस आईली तो कहली हे महादेव सुनी ना अत का हौ हमरा के रिस लगाओ, तो जहाँ कनैलवा फेंकले बानी जामल बा कनैल तुरिया तीन तो कहती कि तू तो बगलिए में रहेलू आ बगलिए में रहबू आ हम तो चरण में चढ़े नहीं, हम तो चरण में चढ़े नहीं, हम बहुत प्रिय बानी तू उतना प्रिय नहीं खू। तो महादेव अब करी तक महादेव कहनी कि अच्छा चलो कोनो बात नहीं के जाओ कनैल फूल ना तुरे दहल तो भांग लेके आव। कहली ठीक बा जा तनी भांग लेके आव। जब भांग ले आवे गईली तो फिर भांग जब हाथ लपकाव तरी तुरे के तब भांग लगत रन गीत गावे, भांग गीत का के का कहत रन, गौरा तू तो रहब गुरु के बगलिए में, हो गौरा तू तो रहल गुरु के बगलिए में, हम तक चढ़ी रोज गुरु के भोजनिए में, हम तयाई का में गुरु के भोजनिए में। अभी बात सुनी तो फिर से आ गई कहली कि तू ही भोजन बनेल महादेव के, भोजनिया आवे तो हम ही तो पीसे नहीं। तो कलन कि ठीक बा रोरा पीसे नहीं ठीक बा, लेकिन हम ही भोजन बानी जौने से महादेव के पेट भरेला, रोरा से ज्यादा प्रिय हम बानी। अब ये फिर गईली महादेव के पास, गली तो कहली जी सुनी हौ जौन भांग बाटे उ कह कि हम ही प्रिय बानी महादेव के, तू कोनो प्रिय नहीं खू, तू बगलिए में बैठबू बगलिए में रहबू आ हम तो भोजन में आवे नी कामे, ऐसन काहे कह तरसन।
महादेव कहनी अच्छा ठीक बा जा ओजा नाम मिले रहता जा दूसरे जगह से धतुरा बेल के पतई लेके आव। अब बेल के पतई ली आवे गई ली। जब बेल के पतई ली आवे गई ली तो बेल के पतई कहत रहन की गौरा तू तो रहल गुरु की बगलिए में, गौरा तू तो रहब गुरु की बगलिए में, बेला पतर बनी गुरु की भोजनिए में, बेला पतर चढ़े गुरु के चरनिया में। फिर बात सुनली फिर से आ गई कहली कि फिर ये बात कहता फिर ओजा से महादेव के लगे गई कहली कि हे महादेव देखी ना हेंग हेंगा कहत रसन। महादेव कहनी कि अच्छा छोड़ जब उना भइल ते काम कर जा राख बबूत उठा के ले आव। एक जगह राख बबूत बनल है। अब गली राख बबूत ले आवे तो राख बबूत कहता लो कि गौरा तू तो रहब गुरु की बगलिए में, गौरा तू तो रहब गुरु के बगलिए में, हम सिंगार होनी गुरु के बदनिए में, हम सिंगार करी गुरु के बदनिए के। भभूत कहत रहन की देखी रउरा प्रिय नहीं की प्रिय हम बानी, महादेव के पूरा अंग में भभूत लगावेनी यही से प्रिय हम बानी रउरा कोनो प्रिय नहीं की। जाई अगर आपके भरोसा नहीं की तो महादेव से पूछ ली। अब महादेव के लगे गईली महादेव ऋषिया के बोलने कहनी देखा वो चीज के अंदर भी जीव बा, वो जीव बा तबे वो बोला था तू का कहलू बिना हमरा से पूछले ओके बोटी बोटी काट के ले आके फेंक अलू। ओके अंदर जीव बा तबे तो वो बोला था और कोनो गलत नहीं के बोला सही बोला था। जोन फेंक देलू हमार कृपा भइल कि ओजा वो पेड़ जम गई फिर वो हमारे चरण में आवे खातिर तैयार हो गई। इतना प्यार से ओके ले आई लहनी इतना गिड़गिड़ात रहे कि हमके ले चली महादेव अपने गला में हमके बैठा ली। लेकिन गले में पहले से रहला नहीं इस खाती हम उनके ना लिए आत रहनी। फिर भी बहुत कहलन तो हम अपने झोली में रख के लिए आईनी तू का कहलू बिना कहले उनके काट के फेंक दिलू। जा देखा उनके अंदर जीव बा कि ना बा। कहले कि जीव तो बाटे लेकिन आप पैसे कहाँ कहतनी। महादेव कहनी कि देखा जीव बा तो तके फेंके के ना चाहत रहल। अरे बहुत प्रिय बा लो उलो हमरा कीड़ा मकोड़ा के तो केहू ना होला। आदमी बारू तू बोल लेबू जे आदमी बाबू बोल ले बतिया ले वो जानवर ओकनी के समझी बात। ओकनी के बात समझे के कोशिश कैलू तू हमेशा से ना नुकुर करत रहू लेकिन हम कुछ ना बोलत रहनी। लेकिन आज तू इतना बड़ा पाप कैले बाड़ू कि हमके तरह से बात करे के मन नहीं करत। कहली हे महादेव एक काम करी गलती तो हमसे बहुत बड़ा भइल बा महादेव जौन सजा देवे के बाद दे दें लेकिन वो सबके अब इंसान के रूप दे दें महादेव। महादेव कहने की अब हम कहाँ से इंसान के रूप दें, इंसान के तो रूप के मिल गई लई अगर तू ना काट के फेंकले रहती। अब ओकर नया जन्म हो गई बा। अब गौरा माता बहुत अपने बात पे पछतैली। पछतैला के बाद से कहली हे महादेव गलती बहुत बड़वन भइल हमरा के क्षमा कर दी। महादेव का कहनी क्षमा कहनी क्षमा कैला के बाद वो लोग महादेव के चरण में चढ़े लागल लो महादेव के श्रृंगार करे लागल लो। हे शिव गुरु जैसे वो लोग पे दया कहनी वैसे सब पे दया करी सबके पीछे हमरा पे भी दया करी महादेव दया करी। आज खातिर इतना ही दीदी कैसा लागल कथा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख के बताएं लोग। आज खातिर बस इतना ही बोलिए हर हर महादेव शंभर।